तो यही वह लेटर है जिसमें कि लिखा हुआ है कि एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ जो रांची झारखंड राज्य परिषद मुख्य प्रदेश प्रतिनिधि है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और ये विषय जो है कि प्रारंभिक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में, यानी जो जिस जिला से आते हैं उस जिला में उनको पोस्टिंग कर दी जाए, क्योंकि 5 साल 10 साल से जो है तमाम शिक्षक जो है वह अपने अपने घर से दूर होकर जो है अपने योगदान शिक्षक का दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जब और ये थे तो उनसे वादा किया गया था, और ये तमाम जो है सिग्नेचर है सभी शिक्षकों का जो कि मांग किए हैं, एक मांग पत्र लेकर जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं जो आप अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ प्रेम प्यारे लाल, मैं एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ का मुख्य प्रदेश प्रतिनिधि हूं, और आज हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करने आए हैं कि हमारा मई 2023 समाप्ति की ओर है, और पूरे राज्य को सभी शिक्षकों को आशा है कि जून 2023 में स्थानांतरण की प्रक्रिया होनी है, लेकिन स्थानांतरण की प्रक्रिया हमको संशय लग रहा है, क्योंकि अभी तक 18 अप्रैल को जो पोर्टल खुलना था पोर्टल भी नहीं खुला, और पायलट प्रोजेक्ट जो चतरा था वो भी सक्सेस नहीं होया हो पाया। तो राज्य में जो पोर्टल ट्रांसफ़र की बात हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोग को समय की तलावा है और ठगा जा रहा हम शिक्षकों को। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि हम सभी शिक्षकों को एक बार अंतरजिला ऑफलाइन आवेदन लेकर जून 2023 में करने की महान कृपा करें। इसके लिए हमारे पूरे राज्य के सभी प्राइमरी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और हमारे मिडिल स्कूल का और हाई स्कूल के सभी शिक्षक उनका आभारी रहेंगे, और इसका हम लोग जीवन भर उनका ऋणी रहेंगे। और मैं वादा करता हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मैं दे रहा हूं, और अपने गिरे जिले में आने के बाद बिना मानसिक तनाव के मैं और अच्छी तरह से दे पाऊँगा, क्योंकि हमारे शिक्षक आए दिन बाद दुर्घटना होने का शिकार हो जाते हैं, और हमारे जो भी दूसरे जिला में शिक्षक रहने के कारण प्रत्येक रविवार को अपने परिवार से मिलने 200-300 किलोमीटर अपने बाइक से ड्राइव करके शिक्षिका वहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके रह के एक दूसरे बहुत सारे दुर्घटना हो गया, पति पत्नी जो नौकरी वाला करना था उसमें भी नहीं हो पाया। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि म्यूचुअल भी ट्रांसफ़र है, जबकि उसमें सरकार की कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, अथी पद का भी एक शिक्षक आएंगे तो एक शिक्षक जाएंगे भी, वो भी प्रक्रिया जो आसान प्रक्रिया वो भी तक अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो हमारे और आने जाने के क्रम में हमारे बहुत ही शिक्षक शिक्षिका का एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गया और उनकी मौत भी हो गई है। उन शिक्षकों की सरकार की तरफ से मुआवजा की बात हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि उन शिक्षक के परिवारों को भी एक उनसे जो उनका दिया जाता है भत्ता उनको मिला जाए। हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई पूरे शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक, मिडिल स्कूल के शिक्षक और हाई स्कूल शिक्षक और प्लस टू के सभी सरकारी स्कूल शिक्षक हम लोग आए हुए हैं। हम लोग आज दो शिक्षक का बैनर किया गया है, प्रारंभिक मतलब हम लोग प्राथमिक शिक्षक और मिडिल स्कूल का, और एक जगह हमारे TGT और PGT शिक्षक हैं, हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षक सभी को आए हुए हैं। जी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात कि हम लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, घर की भी और बाहर की भी, बच्चों की भी, सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हम लोग अपने अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जिस तरीके से 11 जिले को 13 जिले में जाने का मौका दिया जा रहा है, उसी तरीके से एक और मौका देना चाहिए 11 को 11 जिले में ही जाने के लिए। हाँ, परिचय, मेरा नाम सुलेखा रानी है, मैं पलामू में पोस्टेड हूँ, नावा बाज़ार ग्रेडेड प्लस टू हाई स्कूल कंडा नावा बाज़ार में, और मेरा गृह ज़िला जो है वो धनबाद है। मैं भी 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मैं अपने परिवार से दूर अकेले रहकर अपनी छोटी बच्ची के साथ, मेरी ज्वाइनिंग 2019 में हुई है, 4 साल होने जा रहा है, 4 साल से मैं अपने परिवार से दूर रह करके अकेले एक छोटी सी बच्ची के साथ में मैं इस जॉब को कर रही हूँ, और जॉब को करते हुए मुझे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और मैं काफ़ी प्रॉब्लम में, मेरे ससुराल में भी मेरे सिर्फ सासू माँ है और मेरे पति हैं, सासू माँ भी काफ़ी बीमार रहती हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, अकेले मेरे पति से परेशान रहते हैं। प्लस टू शिक्षक नहीं सर, TGT हाई स्कूल यहाँ तो सरकार से, यहाँ हम लोग PRT से लेके TGT PGT सभी स्तर के शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि सबकी वेदना एक है। कोई 12 साल से हम लोग पोस्टेड हैं, कोई 10 वर्षों से, कोई 8 वर्षों से, जो कुछ लोग विगत 4 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। मेरा नाम हुआ संध्या सिंह सर, मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, लेकिन सिमडेगा में मेरी पोस्टिंग है। तो मैं
आज ये कहना चाहूँगी सर से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि मेरे तो पोस्टिंग अपने ज़िले से इतनी ज़्यादा दूर हो गई कि 2018 में जब मेरे ससुर जी का निधन हुआ तो मैं उनको देख भी नहीं पाई, क्योंकि मैं जिस ज़िले में पोस्टेड हूँ वहाँ से मेरा अपने ज़िला जाने के लिए भी लगातार ट्रेन नहीं है, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, अपने ज़िला में जाना चाहते हैं। कब से इसकी मांग कर रहे हैं जी? हम लोग नियुक्ति के एक साल बाद से मांग कर रहे हैं, 2015 में नियुक्त हुए हैं सर, 2016 से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी जी, हाँ हाँ, मैं प्रियंका माथुर गिरिडीह में पोस्टेड हूँ और गृह जिला यहाँ रांची में है, और हम लोग आज एकीकृत जिला स्थानांतरण समिति के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने के लिए आए हैं कि हम लोग जिस मानसिक वेदना से, जिस पारिवारिक विवादों की वेदना से हम लोग विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए अपना जो हम लोग कर्तव्य करते जा रहे हैं, कि कम से कम इसको ध्यान में रखते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, विभिन्न तरह की विकट परिस्थितियों को झेलते हुए भी हम लोग अपना कर्तव्य निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। वर्तमान समय में भी आप अगर इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट देखेंगे तो आपको बेहतर प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिलेगी, और हम सभी शिक्षक जो रूट हैं पूरे समाज के, अगर वो मानसिक रूप से व्यथित रहेंगे तो इस स्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। इसीलिए करबद्ध तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आशा और उम्मीद की किरण लेकर जाना चाहते हैं। वादा किया, हाँ, शिक्षा माननीय जो हमारे दिवंगत शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हम लोगों से ये वादा किया था कि आपका जून तक आप लोगों को गृह जिला जाने की एक मौका आप लोगों को मिलेगा, तो लेकिन अभी तक नहीं हो पाया क्या, जी। मैं झूमर कुमारी, मैं पलामू में पोस्टेड हूँ। हाँ, अगर शिक्षा मंत्री रहते तो शायद अपना कार्य कर देते, तो मैं पलामू में पोस्टेड हूँ, झूमर कुमारी। मेरे हस्बैंड देवघर में सब इंस्पेक्टर में पोस्टेड हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दूर है, करीब 300-350 किलोमीटर की दूरी पे हैं। बच्चे लोग का परवरिश बहुत ही दिक्कत हो रहा है, मेरे सर जो हैं वो बच्चे लोग को देखते हैं, ड्यूटी जाते हैं, और पुलिस विभाग का ऐसा ड्यूटी है कि 24 घंटा के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, इसलिए बच्चों का पालन पोषण में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का जो है एक ज़िला में किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि हम लोग को अपना जाने की जिला मतलब दिया जाए मौका। मैं श्वेता कुमारी लामू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरी बहाली 2019 में हुई है। हम सभी स्थानांतरण के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्थानांतरण हो जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी दूर कर रहे हैं, अपने गृह जिला से काफ़ी दूर में हैं, और माता जी का तबीयत खराब है, परिवार में अकेले सदस्य हूँ, ठीक है, उनसे आ जाके मिलना, चाहे तबीयत खराब है तो उनका देखभाल करना बहुत ही कठिन हो रहा है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति मेरे ही साथ नहीं है, हमारे साथ और भी शिक्षक हैं, उनके साथ ये दूरी है। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।